ये लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जनता ने आपको ये बता दिया कि जनता का फैसला क्या है, क्योंकि आपको एक गरीब की पेट की आग का अंदाजा नहीं है। वो मेहनत करता है तो रोटी खाता है, उसे भूख लगती है। आप लोगों को भूख नहीं लगती, आप लोगों को सिर्फ नोटों की भूख लगती है। बहन जी, पहली बात तो यह है कि जनता ने हमको 2004 में भी सबसे ज्यादा वोट दिए, 2009 में भी सबसे ज्यादा वोट दिए, और सुन लीजिए 2012 में भी सबसे ज्यादा वोट दिए। अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में अगर आपको विश्वास है तो आप लीडरों को गाली देने के बजाय आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं? सुन लीजिए मेरी बात। आप दूसरी बात यह है, गरीबों को, लाखों लोगों को, गरीबों को अगर मौका मिला है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मौका मिला है। जिनकी हाल हालात यह है कि जिनको पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर पंजाब और हरियाणा में जब काम करते थे तो वहां के लैंडलॉर्ड लोग कीमत तय करते थे, आज वो गरीब मजदूर खुद अपनी कीमत तय कर पाते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात, किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में आप पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर इस प्रकार से सबको बेईमान कहेंगी तो मुझे इस बात की आपत्ति है। सुन लीजिए मेरी बात 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरे पर जिसने भी आप आरोप लगाया मैंने उसको कोर्ट कचहरी में जाकर खड़ा कर दिया, क्या प्रमाणित करो दिग्विजय सिंह बेईमान है। एक में भी प्रमाण नहीं दे पाया, सबको बेईमान आप मत कहा करिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक ईमानदार होने से पूरी पॉलिटिक्स साफ नहीं हो जाती। पॉलिटिक्स में 99% लोग गंदे हैं और 1% अच्छा है। आप कैसे कहते? मैं सहमत नहीं हूँ। अगर जनता जिनको चुनती है उनका आप इज्जत नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी सफल नहीं होगी। जनता को चुनने का अधिकार दिया गया है, अगर आप अपना प्रतिनिधि ईमानदार चुनेंगी तो अपने आप सफाई हो जाएगी। लेकिन आपका ये कहना कि सारे राजनेता बेईमान हैं, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। नहीं, हम अपना प्रतिनिधि तो ईमानदार ही समझकर चुनते हैं, लेकिन जब वो चुन लिए जाते हैं उसके बाद उसकी गंदगी जो है वो सारी बाहर आ जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जरा ठोक बजा के ईमानदार व्यक्ति को ही चुनिए। ईमानदार व्यक्ति हम किसे मानेंगे? कौन है ईमानदार व्यक्ति? किसी के चेहरे पर किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। एक मिनट सुन लीजिए, आपने उनको सुझाव दिया कि वो चुनाव लड़ें, तो मेरे आपको सजा ये है कि आप इनको अपनी पार्टी से टिकट दीजिए, ये चुनाव लड़ेंगी। लड़ना चाहे दे देंगे, अगर आप चुनाव लड़ना चाहती है तो आपको टिकट दे देंगे। आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, आपकी पैरवी करूंगा। मैं जब मुख्यमंत्री रात था तो 1 घंटे रोज सबसे मिलता था बिना अपॉइंटमेंट के। अभी मैं AICC जनरल सेक्रेटरी हूँ, शाम को 4 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे तक मेरा दरवाजा खुला रहता है, बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल सकती हैं। चलिए, अब मैं आपके पास बिना अपॉइंटमेंट के आऊंगी, एक बार मुझे मौका दें। जनता के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इल्जाम हैं, हम एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में